गुरुवार को कलेक्टर कार्यालय अधिवक्ता संघ वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार द्विवेदी की अगुवाई में रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचा और जुलाई 2021 से प्रस्तावित बड़ी दरों को लेकर राज्य शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। द्विवेदी ने बताया कि कोविड की वजह से प्रदेश के नागरिकों को पहले से आर्थिक संकट से जूझना पड़ रहा है, ऐसे में सरकार को गाइडलाइन यथावत रखना चाहिए। इस मामले में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सरकारों से मध्य प्रदेश सरकार को सीख लेनी चाहिए। देश के कई राज्यों में न केवल गाइडलाइन यथावत रखी गई है, वहीं स्टाम्प ड्यूटी में भी राहत दी गई है। कोरोना की विकराल परिस्थितियां आप लोगों के सामने हैं। हालात ये कि सरापा बाजार जैसे ही खुला, दवाइयों का बिल पेमेंट करने के लिए या घर के खर्चे चलाने के लिए जो उधारी थी उसका भुगतान करने के लिए लोग अपने जेवर बेचने निकल पड़े, आप लोगों ने ही देखा। और आदमी अस्पताल में पड़ा हुआ है और उसे अपने संपत्ति के दस्तावेज की चिंता थी, कोई वसीयत कराने के लिए ललायत था, ज़्यादा पैसे दे रहा था, तब भी हम वकीलों ने मानवता का परिचय देते हुए एक संदेश प्रसारित किया, वीडियो जारी किया कि आप अपनी डायरी लिख लें, डायरी में जिसे भी आप अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं कागज़ों पर लिख दें, दो गवाह लिख लें, वीडियो बना लें, वही वसीयत हम आपके नहीं रहने पर आपके परिवार के हित में रजिस्टर्ड करा देंगे। ये पंजीयन अभिभाषक संघ की ओर से दो ज्ञापन दिए गए हैं, उसमें एक मांग ये की गई है कि शासन ने जो गाइडलाइन 2021 की थी उसको 30 जून तक बढ़ाया था। उनकी मांग थी कि कोरोना काल की वजह से इसको आगे तक इसकी वृद्धि की जाए, मतलब यही गाइडलाइन आगे तक रहे। तो वो शासन को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने मुझे ऐसा एक अभ्यर्थन दिया है। दूसरा अभ्यर्थन उन्होंने दिया है कि जो कोरोना काल के अवधि है, इस अवधि में सभी शासकीय कार्यालय बंद थे, तो न्यायालय कलेक्टर और स्टाम्प के यहाँ जो प्रकरण प्रचलित होते हैं वहाँ पे कमी शुल्क के साथ साथ में ब्याज दंड के रूप में ब्याज की गणना भी की जाती है, तो उस अवधि की ब्याज की गणना को भी माफ़ किया जाने का अभ्यर्थन शासन के माध्यम शासन को प्रस्तुत करने के मुझे सौंपा गया है। बालकृष्ण मोरे, उप महानिरीक्षक पंजीयन, इंदौर।